असाइनमेंट क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। मुझे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि एस्टिमेटर्स जो है वो किस किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, और उसके साथ जब हम लेक्चर एंड करने जा रहे थे तो हमने देखा कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो किन दो पार्ट्स में पार्टीशन है। तो उसमें हमने स्टडी किया कि एक रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है और एक हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर एरर है। अब हम इन जो पार्टीशन पार्ट हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है हमारे पास, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर एरर, हम देखना चाह रहे हैं कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशंस का पता होना इसलिए बेटा हमारे लिए जरूरी होता है कि जब हम हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स या ये एस्टिमेटर्स किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टार्ट लेते हैं बेटा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको पता है इक्वल है समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेप देखें, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार का होल स्क्वायर। अब ये वाई माइनस वाई बार एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके लिए बेटा हम देखते हैं अपने ये स्टेप्स। हमारे पास ये देखिए है मॉडल क्या है, y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन, हो गया। आप क्या करें, हमने क्या किया जी, दोनों साइड पे हमने समेशन अप्लाई कर दी, समेशन y, और जब आपने अल्फा के ऊपर समेशन अप्लाई किया, आपको पता है अल्फा पैरामीटर है, कांस्टेंट है, तो समेशन अप्लाई करने से इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बीटा समेशन x प्लस समेशन एप्सिलॉन। अब दोनों साइड पे n से डिवाइड कर दी। ये काम क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास y वाला मॉडल तो है, हमारे पास y बार भी होना चाहिए ताकि हम y माइनस वाई बार कर सकें। तो आपको पता है y बार करने के लिए क्या है, पहले आपने सम अप्लाई कर दिया, फिर n पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास y बार आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशन को जब आपने n से डिवाइड किया तो ये n n कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी n आ जाएगा और समेशन एप्सिलॉन ओवर n, यहाँ पे भी n आ गया। तो ये क्या बनेगा, समेशन y ओवर n बन जाएगा y बार इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स बार प्लस एप्सिलॉन बार। अब आपके पास y भी है और y बार भी है, और हमें क्या चाहिए, y माइनस वाई बार का आपको डिफरेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, y माइनस वाई बार इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स बार, और ये यहाँ पे आपके पास माइनस एप्सिलॉन बार है। अगर नजर नहीं आ रहा तो इसको आप जब हाथ से खुद प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। जस्ट मैंने वाई का मॉडल जो है वो लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन माइनस वाई बार की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा एक्स बार माइनस एप्सिलॉन बार यानी ठीक है। अब आपने क्या किया, जो चीजें कॉमन है, अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, बीटा आपने कॉमन ले लिया, एक कॉमन लेने से यहाँ पे क्या आएगा एक्स और एक्स बार और प्लस, इसी तरह जब आपने ये कॉमन लिया तो एक एप्सिलॉन आएगा और एक यहाँ पे एप्सिलॉन बार आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये याद रखना है कि ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर्स की, इसमें हम एजम्पशंस हमने ली है या हाइपोथेसिस जो हम टेस्ट कर रहे हैं, हमारी हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट क्या है कि बीटा इक्वल टू जीरो है। अगर हम अपनी इस हाइपोथेसिस को अज्यूम करें कि ये ट्रू है, तो अंडर दिस हाइपोथेसिस जब बीटा जीरो है तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और y माइनस वाई बार इक्वल टू किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार की इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आपके माइंड में कि ये हम एजम्पशन क्यों ले रहे हैं, ये हम हाइपोथेसिस क्यों टेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली हम बनाना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप देखें तो x फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, रोल प्ले करेगा यहाँ पे एरर टर्म। तो एरर टर्म के अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में अल्फा और बीटा के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो बनाई थी। तो इसी तरह हम यहाँ पे एजम्पशन लेके चल रहे हैं, हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि एच नॉट बीटा इक्वल टू जीरो है, और वाई माइनस वाई बार अगर बीटा इक्वल टू जीरो करें तो हमारे पास क्या बनेगा, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार आ जाएगा। अच्छा, वाई माइनस वाई बार को आपको पता है अगर हम डेविएशन फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा, वाई माइनस वाई बार इक्वल है स्मॉल वाई बार इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार की इक्वल आ जाएगा। तो इसको अगर हम अब आपको मेरे ख्याल में ये क्लियर होगा कि हमारे पास ये कैसे फॉर्म बनी है, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कैसे कन्वर्ट किया हमने समेशन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार के, वाई माइनस वाई बार जब हमारे पास आया एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार, तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन बार का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपने ओपन किया, आपको पता जो है वो सम्स ओपन करने आती है, या फिर अगर आपने वो समेशन वेरियंस टर्म को कभी ओपन किया हो, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जब लिखा होता है तो हम उसको ऐसे ही ओपन करते हैं, समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। इसी तरह हमने इसको ओपन किया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे, समेशन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस
समेशन एप्सिलॉन ओवर एन का होल स्क्वायर। ये इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगी इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपने वेरियस का फॉर्मूला पढ़ा है तो ये तो बहुत अर्ली स्टेजेस में आपने देखा कि इसका शॉर्ट फॉर्मूला एक होता है। इसको वैसे हम बाय डेफिनेशन इस तरह फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन जब उसको ओपन करते हैं तो वो इस फॉर्म में ओपन होता है। आप ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करके इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेप कैसे आया होगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या किया जी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर समेशन एप्सिलॉन ऐसे ही एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन ओवर एन जो है उसको साइड पे कर लिया। और आपको ये पहले भी बताया था कि जब समेशन के ऊपर स्क्वायर टर्म आए तो वो कैसे टू टर्म्स में ओपन होगी, टू टर्म्स में कैसे ओपन होगी कि जो ये टर्म लिखी है एक बार तो एज इट इज समेशन एप्सिलॉन आई का स्क्वायर प्लस डबल समेशन एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे। आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, क्योंकि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हमारे पास तीन टर्म्स ओपन होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये समझे वो स्क्वायर टर्म्स हैं और ये वो प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, इसलिए हमने डबल समेशन शो किया और आई और जे से उसको बायसेक्ट किया। ठीक हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है इसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि अब क्वेश्चन फौरन माइंड में आता है कि हम एक्सपेक्टेशन क्यों ले रहे हैं। हम एक्सपेक्टेशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एट द एंड अभी आप देखेंगे कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो उसकी जब काई स्क्वायर को फॉलो करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसके साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अटैच होती है। तो ये जो हम एक्सपेक्टेशन वाले स्टेप्स, चाहे हम वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर में करें, चाहे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर एरर की डिस्ट्रीब्यूशन निकालते वक्त जब भी हम एक्सपेक्टेशन लेंगे, वो एक्सपेक्टेशन मेनली हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमें इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का पता चल जाए। तो इस स्टेप्स पे आगे हमने पहले एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। एक्सपेक्टेशन आपने अप्लाई की तो आपको पता है एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन, जब आपने एप्सिलॉन स्क्वायर के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो हमारी एजम्पशन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप हुआ, इसको गौर से समझिएगा। यहाँ पे समझिए, जब आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर पे तो वो हो गया सिग्मा स्क्वायर, और अब चूंकि सिग्मा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये समेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एन में, क्योंकि कांस्टेंट पे जब समेशन अप्लाई होता है तो आपको पता है जो उसकी हाईएस्ट टर्म होती है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस वन ओवर एन, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जब आपने अप्लाई की तो ये सिग्मा स्क्वायर, और जब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई की तो समेशन के इनसाइड एक्सपेक्टेशन जाएगी। एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे पे जब एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी तो आपको ये भी पता है कि प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेड वैल्यू एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे जो है वो जीरो है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये रिपीट किया था कि अगर तो ये जिन स्टूडेंट ने साथ साथ लेक्चर प्रिपेयर किए होंगे तो उनको ये चीजें समझ आ रही होंगी कि कैसे मैं बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर प्रॉपर्टी है सिग्मा स्क्वायर हो जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आई एप्सिलॉन जे जीरो हो जाता है, क्योंकि वेरी स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने एरर की अजम्पशंस पढ़ी थी कि जब आप इसकी एप्सिलॉन स्क्वायर के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं तो सिग्मा स्क्वायर है और इसकी जो कोवेरियंस टर्म है वो जीरो हो जाती है। अच्छा, अब हम अगर नेक्स्ट देखें तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर, एन सिग्मा स्क्वायर अगर हम कॉमन लें तो इट विल बिकम एन माइनस वन सिग्मा स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक मींस जो भी एक्सपेक्टेशन लेने के बाद फाइनल टर्म बनती है सिग्मा स्क्वायर के साथ जो भी कॉफिशियंट लिखा होगा वो एक्चुअली वो ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। मीन सिग्मा स्क्वायर के साथ एन माइनस वन लिखा है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो एन माइनस वन होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने फाइंड कर लिया, अब देखते हैं कि एज ये हमें पता है ये हमारी अजम्पशन है कि एरर टर्म फॉलो नॉर्मल आइडेंटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको फॉलो कर, नॉर्मल इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होती है विद जीरो मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, तो देयरफॉर वाई आल्सो फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वाई जब इसको फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को तो सच दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर फॉलोस सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम विद एन माइनस वन डिग्री। अब एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात तो क्लियर है, लेकिन ये वाई अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फॉलो कर रहा है, आपके माइंड में क्वेश्चन सबसे पहले आप ये आना चाहिए। ठीक हो गया, अच्छा इसको अगर हम देखें पीछे फिर बैक पे अगर हम जाएं तो हमें पता है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने वेरी स्टार्ट क्या लिया था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर था समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर था। ठीक हो गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर।